आज हम सब बेसिक बेसिक सीखेंगे, जैसे दसवीं के बाद में बच्चा ग्यारहवीं में जाता है या सेवन एट स्टैंडर्ड में बच्चा सीख रहा है, वो पार्ट से हम लॉजिक से सीखेंगे। आज हमें बाकी लोड नहीं है, कोई मेथड नहीं, कोई M3 रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक स्कूल का हम सीख रहे हैं, स्कूल का सीख रहे बच्चा, ठीक है, स्कूल का सीख रहे। आप इसे बहुत अच्छी तरह सीखेंगे, मुझे विश्वास है, और टेंशन नहीं है, लेकिन दिमाग सबसे तेज होना चाहिए, बराबर ना। जैसे हम लोग PC का वगैरह देखते हैं, मोबाइल का, और फास्ट होना चाहिए, और फास्ट लगना चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि आपका दिमाग अभी तेज होना चाहिए। लिखने में जल्दी मत करो। अब देखो, ये लॉगरिथम के फॉर्मूलेज हैं, पांच फॉर्मूलेज हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। और एक छठा फॉर्मूला डाल देता हूँ, लॉग ऑफ एम रेस, लॉग ऑफ एम टू द बेस एन, और एक फॉर्मूला डालता हूँ मैं, लॉग ऑफ एम टू द बेस एन। ये छह फॉर्मूलेज मुझे आपसे याद करवाना है बच्चों, ठीक है। बोलो, फर्स्ट, बोल के करना है, बोल के करना है, चिल्लाना है, इतना चिल्लाना कि हॉस्टल वाले उठ जाना चाहिए, साइड के वाले। बोलो, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, आगे बोलो, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन, ये बोलो, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, अरे हाँ, लॉग एम रेज टू एन, एन लॉग एम, अरे पावर आगे, लॉग एम रेज टू एन इज पावर आगे, एन लॉग एम, ऐसे बोलना, पावर आगे, ये एम का पावर होता है। ई रेज टू लॉग ऑफ एम, एम ई रेज टू लॉग ऑफ एम इज एम, कल हमने एक पार्ट देखा था ए रेज टू एक्स को, ये लॉजिक यूज करता। लॉगी वन, लॉगी वन, लॉग एम टू द बेस एन, लॉग एम बाय लॉग एन, लॉग एम बाय लॉग एन। यहां पर बेस कुछ भी दिया नहीं है, तो बेस ई होता है, वो लिखा जाता नहीं, दैट ई इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल बेस, ई इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल बेस, सबको याद होना चाहिए बच्चों। तो ये फॉर्मूलिस आपको परफेक्ट एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना है, बाद में मैं आपको इधर का पूछता हूं क्या रहेगा, याद करो, खुद का तरीका वर्ल्ड क्लास तरीका होता है, सोचो अपने तरीके से सोचो। याद करो बच्चों, लोग बच्चे होशियार होते हैं, प्रॉपर करो, अपने तरीके से करो। हो गया, पाजी भाई, अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है, आपका शुरुआत अच्छी नहीं हुई। हो गया, याद हो गया बच्चे लोग, ये छह फॉर्मूलेस 6 सेकंड में आना चाहिए, उतना वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे बच्चों को 1 to 10 बोलने में हम सोचते क्या कभी, नहीं, बस आपको ये बोलने में सोचना नहीं है, वो एक नेचुरल आना चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन में अच्छा लगेगा। बोलो, फर्स्ट, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम रेज टू एन, ई रेज टू लॉग एम, लॉग ई, लॉग एम टू द बेस एन। सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट आया, मैं अभी कुछ एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है, आपको मैं अभी इसे अप्लाई करके दिखा रहा हूं। देखो क्या होता है बच्चे लोग, अगर आपको लॉग 2 प्लस लॉग 3 आया, आप क्या लिखोगे, लॉग 6, 2 into 3, याद रहेगा, बहुत अच्छा पार्ट है बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है। सेम
अगर आपको ये log ऑफ 2 × 3 log ऑफ 6 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं ना, log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2 आया तो आप क्या लिखोगे, log 6 बाई 2 दैट इज log 3। अरे हाँ, अगर log ऑफ 2 raised to 3 आया, 3 log, याद रहेगा 3 log 2, log ऑफ 6/2, log ऑफ 2 × 3। अगर आपको log ऑफ 25 आया तो आप log ऑफ 5 के फॉर्म में लिख सकते ना, आप 5 raised to 2, बाद में 2 आगे आ जाएगा, आया मैं बहुत बार सिंप्लीफिकेशन लगता है हमें, 2 आगे आ जाएगा, सो इट इज रिटन एज 2 log of 5, करेक्ट। अगर आपको a raised to x दिया तो आप e के पावर में क्या लिखोगे, e raised to log of a raised to x, x आगे आ जाएगा ये फॉर्मूला से, इसलिए हमने कल के लेक्चर में a raised to x को e raised to x log of a यूज किया था, बिकॉज इसे m = e raised to log m पावर और आगे आ जाता है, पावर और आगे आ जाता है, सही है। अगर e raised to log of 7 आया आप क्या लिख पाओगे, इसे 7 लिख पाओगे। तो इस टाइप से मैंने आपको ये बेसिक पार्ट दिए, करेक्ट। अभी जैसे एक साइड से पढ़ा, कभी कभी ये साइड से भी हमें ये लाना पड़ता है, ऐसे कुछ सम्स मिलेंगे, और उसी लिए कौन से फॉर्मूले से बच्चे लोग ये फॉर्मूले मुझे याद करवाना है, ओके। तो ये फॉर्मूले भी आपको बताना है, बोलो व्हाट इज log ऑफ mn, log m, व्हाट इज log ऑफ m/n, n log m, m इस log m, सबको बोलना है, जो बच्चा बोलेगा नहीं 1000% वो भूल जाएगा बाद में, ठीक है, बोल के ही करना है, बोल के करना है, आप कभी बोलोगे नहीं, और जब भी पढ़ाई करते बाकी सब्जेक्ट भी तो जरा बोलना, बोलते रहना, इससे पढ़ाई 1 घंटे के जगह पर 3 घंटा भी पढ़ के हो जाता है एक टाइम के बाद में, वो आदत लग जाती है। कोई ये बोलेगा नहीं सर डिस्टर्ब होता है, बाकी रूम पार्टनर किधर जाएंगे, ऐसे जगह पर जाना जहाँ पर कोई होता नहीं। m इज इक्वल टू e raised to log of m, बराबर ना, उल्टा आता है ना ये, और 1 = log e, सब बच्चों को जजमेंट आएगा। एक बार अपने तरीके से याद कर लो, याद करो बच्चे लोग, परफेक्ट, कभी भूलोगे नहीं। अभी आपका काम है इसे एक फॉर्मूला कम से कम 10 बार लिख लेना घर पर, कोई तकलीफ होगा नहीं, ज्यादा काम किया कोई नुकसान होगा नहीं, लिखने के बाद में विश्वास बढ़ेगा आपका, ये बोला नहीं 10 बार क्यों लिखू, लिख के देख आपको मजा आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पर बहुत जोर देना। अगर आपको किसी ने दिया log of 6, आप कैसे लिख पाओगे, स्पीड अप करके log 2 + log of 3। अरे हाँ, बहुत बार जरूरत पड़ती है इस टाइप का एग्जांपल में, log of 8, रुको बच्चे लोग, प्लस
log of 24 जाने दो, log of, ठीक है चलो log of 2 लिख लो, log of 16, log of 16 को क्या लिखोगे, log of 4 स्क्वायर, 2 log 4, वो सिंपलीफाइड आंसर होता है, ओके log of 16, 16 को क्या लिखोगे, log of 4 स्क्वायर, बाद में 2 बार, या हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रेस्ट टू 4 भी लिखेंगे, 2 रेस्ट टू 4 बराबर है, और 4 log 2, ये आंसर सिंपलीफाइड है, ऐसा एडजस्टमेंट होता है, ऐसा एडजस्टमेंट होता है। चलो सब बच्चों को लॉगरिथम के कंसेप्ट क्लियर हुए, लेकिन आपका काम है इसे रिवाइज करना, अगर आप इसे रिवाइज करोगे और टाइम देना, भागदौड़ करना नहीं, भले बार एक बार सेशन में एक ही बार इतना करो लॉगरिथम बस, और चाय पीने के लिए निकल जाओ, अच्छा करना, टाइम पास करोगे तो बाद में और पढ़ना पड़ेगा, अभी हमें टाइम नहीं है, आगे बहुत सारे काम है, तो ये पार्ट आप सब बच्चे लोग बहुत अच्छी तरह करेंगे, ये 6 फॉर्मूलीज और ये पार्ट उल्टा पुल्टा कैसे भी पूछा तो आपको आना चाहिए, और एक फॉर्मूला आपने कम से कम 10 बार लिखना चाहिए, हो गया ठीक है, अभी आपको लिखना है ना, लिख लो ये फॉर्म लिख लो बस, जस्ट फॉर्मूलीज लिख लेना, चलो हो गया, हाँ आ गए किधर, आओ ना ऊपर आओ, योगेश सर को मिलो, नहीं चलो बहुत अच्छा हो गया बच्चे लोग, यस बच्चे जरा आप हंस के तो बैठो जरा, चलो हो गया, अभी सेकंड सेशन लू, लॉगरिथम आपने अच्छी तरह लिख लिया, और आपका खुद का तरीका भी ढूंढना बच्चे लोग, मैं मेरा आइडिया से बता रहा हूं, आपका भी सोच होना चाहिए इसे कैसे याद करूं कैसे करना है, ये आपको भी लगना चाहिए, हो गया प्रॉपर, log m प्लस log n log m n, log m माइनस log n log m n, log m रेस टू n n log m, e रेस टू log m m log e 1, ये आपको आना चाहिए। अभी हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, इंडाइसेस, सही है, आप लोग क्या करो तब तक ये फॉर्मूलीज लिख लो जरा, हाँ चलो आना आगे, चलो जाने दो बाद में लिखो, आगे बैठो इनके साथ बैठो फर्स्ट बेंच पर, इंडाइसेस के फॉर्मूलीज में याद कर रहा हूं, इनकी राह देख रहा था मैं, इंडाइसेस ठीक है, ये कितने फॉर्मूलीज हैं इंडाइसेस के, 1 2 3 4 5, आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, 5 फॉर्मूलीज ध्यान दो, अभी बाद में रुको, और नो भाई मल्टीप्लीकेशन अगर होगा बेस सेम तो पावर्स का एडिशन, एक्स एस टू एम इंटू एक्स एस टू एन एक्स एस टू एम प्लस एन, मल्टीप्लीकेशन बेस सेम पावर्स का एडिशन, कल देखा था हमने ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, एक्स एस टू एम बाय एक्स एस टू एन एक्स एस टू एम माइनस एन, याद रहेगा एक्स एस टू एम बाय एक्स एस टू एन एक्स एस टू एम माइनस, पावर्स का सब्सट्रैक्शन, एक्स रेस टू एम रेस टू एन एक्स एस टू एम एन, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन, बोलो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन, एक्स एस टू जीरो वन एक्स एस टू जीरो वन, सबको याद रहेगा एक्स एस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन बाय एक्स एस टू एम, जब माइनस पावर है नीचे लोगे तो प्लस, कभी कभी नीचे एक प्लस पावर होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस, अरे हाँ सब लोग बोलेंगे
एक्सेस टू बोलो एक्सेस टू एम इंटू एक्सेस टू एन इक्वल टू एक्सेस टू एम प्लस एन एक्सेस टू एम बाय एक्सेस टू एन इक्वल टू एक्सेस टू एम माइनस एन एक्सेस टू एम रेस टू एन इक्वल टू एक्सेस टू एम एन एक्सेस टू जीरो इज इक्वल टू वन एक्सेस टू माइनस एम इज इक्वल टू वन बाय एक्सेस टू एम समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग अपने तरीके से एक बार याद कर लो, बाद में मैं इसे और अच्छी तरह समझाता हूं। अपने तरीके से एक बार समझ लो। कैसे याद करोगे? चलो हो गया। हो गया बच्चे लोग। अभी सब लोग रेडी है? आपको अगर किसी ने दिया e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स इज थ्री एक्स, इसके आगे आपको प्रॉपर रीजन मिलना चाहिए क्या है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स का एडिशन। e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स, याद रहेगा। 10 बार लिखना आपको घर पर, और कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को क्लिक होता नहीं है, कुछ गधे कैसे भी करते हैं, बहुत दुख होता है। ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, वन, ई रेस टू जीरो एंड इट इज वन, याद रहेगा पूरा लाइफ में, हमेशा याद रखना। सेम आपको अगर आया टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू थ्री एक्स, टू रेस टू फोर एक्स, बाद में लिखना बच्चे जाने दो अभी, टू रेस टू फोर एक्स, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू रेस टू फोर रेस टू एक्स, तो ये 16 रेस टू एक्स भी आएगा। कैसे उल्टा पुल्टा करके हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सम्स बहुत जोरदार है, 1.2 एक्सरसाइज करने वाला बच्चे को 50 लाख का पैकेज मिलेगा। 1.2 एक्सरसाइज हम जो करें, अभी हमने हाथ लगाया नहीं लेकिन करेंगे हम, इतना लॉजिक है, बहुत लॉजिक है। यहाँ तक आपको थोड़ा बेसिक पार्ट बताया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। अभी इस पर जाएंगे हम, एक्सेस टू एम बाय एक्सेस टू एम, एक्स रेस टू टू बाय एक्स रेस टू फोर, बोलो एक्सेस टू टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू, जजमेंट आएगा, चलेगा बच्चे लोग। सेम अगर आपको ई रेस टू थ्री एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स, आप क्या लिखोगे? ई रेस टू टू एक्स, ये बहुत आने वाला है बच्चे लोग, वो बहुत अच्छी तरह आपको करना है, परफेक्ट। बच्चा वो आपके पास ही रहने दो पेज, अभी आगे पास नहीं, आप इधर ध्यान देना, वो जाने दो, खाली याद रखना जाने के टाइम में, आपके नाम कलेक्शन करना है, याद रहेगा। अभी ये होने के बाद में मुझे लिखना है ई रेस टू टू एक्स रेस टू एक्स पावर ऑफ पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन, ई रेस टू टू एक्स इंटू एक्स, मतलब मैं ई रेस टू टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं,
पोरोपोरिस मल्टीप्लिकेशन, याद रहेगा। 9 आना चाहिए बच्चा, 2 raised to 3 raised to 4 2 raised to 12, याद रहेगा। बहुत जगह पर हमें लगने वाला है बाद में, e raised to x raised to 2 e raised to 2x, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन, बोलो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन आपको याद आना चाहिए। इस टाइप से अप्लाई करते हैं, बराबर है। हमने ये भी देखा, ये पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स एस टू माइनस एम इज 1/x^2m, बहुत बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है बच्चों लोग, बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपको ई रेस टू माइनस एक्स दिया तो आप क्या लिख पाओगे, ई रेस टू माइनस एक्स 1 बाय e raise to x, याद रहेगा। e raise to minus 2x दिया 1 by e raise to 2x, अगर आपको 1 by x raise to 2 दिया आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते, पावर ऑपोजिट होता है। अरे हाँ, ये फॉर्मूला आपको प्रॉपर, इससे मुझे ये मेन फॉर्मूले से बस मुझे इससे याद करवाना है, याद रहेगा। अरे हाँ, जो जो बच्चों को ऐसे सम लिखना है इसके, तो ये मैं ऐप में या यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ ये सब, आज का सेशन, तो आपको बाद में लिख सकते हैं। अभी मुझे एक बार इसका आंसर बताइए, बोलो फर्स्ट का आंसर, बोलो सेकंड का आंसर, बोलो थर्ड का आंसर, बोलो फोर्थ का, नेक्स्ट, और एक बार, 1/x^2m, याद कैसे किया, इसे कैसे याद रखोगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, बेस सेम होगा, पावर्स का एडिशन, ये कैसे याद रखोगे, बेस सेम, डिवीजन होगा, पावर का सब्सट्रैक्शन, करो एक बार करो ऐसा, कुछ बच्चे करते नहीं, गले डालूंगा नहीं, विश्वास बैठने दो, बाद में डालूंगा मैं। x एस टू जीरो, x एस टू जीरो, x एस टू माइनस एम, ये कैसे याद रखोगे, कोई भी निगेटिव पावर रहा नीचे आएगा तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पावर होगा तो नीचे आएगा तो निगेटिव, कोई भी वेरिएबल का जीरो पावर 1, बोलो कोई भी वेरिएबल का जीरो पावर 1, याद रहेगा, परफेक्ट। मैंने अभी तक लॉगरिथम का पार्ट समझाया और इंडाइसेस, अभी मेन पार्ट पर आते हैं हम, डेरिवेटिव, बराबर है, इसके बाद में पार्ट आएगा बच्चे लोग डेरिवेटिव, हाँ वो लिखा नहीं, लिख लो अनु भाई, आप आगे, आपको क्लास की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा लिखना, अच्छी तरह लिखना, गलत नहीं है, इतना अच्छा लिखो कि जिंदगी में कभी लिखा नहीं होगा। आपके नोटबुक देखने के लिए दूर दूर से लोग आना चाहिए MCA में। ऑनलाइन वाले लेक्चर करते करते आप गारंटेड चाय पीते होगे, ये ऑनलाइन करने वाले लोग ये शॉर्टकट मारने वाले लोग होते हैं, हाँ ये शॉर्टकट उनको होना चाहिए बस, यहाँ पर कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन परफेक्शन होना चाहिए, आगे जाने के लिए परफेक्शन होना चाहिए, तभी आपको वैल्यू रहेगा।
10% बच्चों की बात अलग करता हूँ, ऑनलाइन में से 10 के पीछे एक बच्चे का रीज़न प्रॉपर हो सकता है, बाकी लोगों के लिए एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। अभी ये फॉर्मूलिस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 फॉर्मूलिस मुझे परफेक्ट करो आपसे, ठीक है। अभी सब लोग हम क्या करेंगे, पहले चिल्लाएंगे, बाद में मैं मेरा तरीका बताऊंगा याद करने का, ठीक है। बोलो डेरिवेटिव ऑफ x एस टू एन इज इक्वल टू, बोलो पूरा, डेरिवेटिव ऑफ x एस टू एन इक्वल टू एन एक्स एस टू एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इक्वल टू e रेस टू x, आपको याद करना है, आपको यही है। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इक्वल टू a रेस टू x log a, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इक्वल टू माइनस 1 बाय x स्क्वायर, x इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, और एक बार डेरिवेटिव ऑफ x एस टू n इज इक्वल टू n x एस टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x ऑफ a रेस टू x इक्वल टू a रेस टू x log a, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इक्वल टू माइनस 1 बाय x स्क्वायर 1 0, याद रहेगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी अपने तरीके से एक बार याद कर लो, बाद में मैं मेरा तरीका बताता हूं, बाद में लिखो, परफेक्ट लिखो, परफेक्ट याद करो, परफेक्ट आना चाहिए। याद करना, याद करो, बेस याद करो। बेस्ट 1 to 10 बोलने में आप सोचते क्या कभी, नहीं ये भी बोलने में सोच रहा नहीं, वो लेवल आना है, कोशिश करो। करो याद, अभी क्या था बॉक्स में, सेकंड का, थर्ड का, सब चिल्लाओगे, जो बच्चा चिल्लाएगा नहीं वो बच्चे को दिमाग कम है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, अभी ये फॉर्मूलिस कैसे आए वो समझाता हूं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मुझे आपको बताना है। एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव, अगर आपको किसी ने पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 10, बोलो पावर आगे, बोलो पावर आगे, पावर आगे, पावर आगे, एक से पावर कम। किसने पूछा, इधर आ बच्चा, इंजीनियरिंग कर रहा है, पावर आगे एक्स रेस टू, याद रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का पावर 1 होता है, 1 आगे, बराबर है एक्स रेस टू 0, इसलिए क्या आ जाता बच्चे लोग, 1 एक्स रेस टू 0 बन जाता। इससे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या यूज करते हैं हम लोग,
वन डी टू, आप x के लेते हैं वन, क्यों? आपको बेसिक फॉर्मूला वही है, पावर आगे x का पावर आगे और बाद में x रेस टू जीरो आ जाएगा x, तो डी टू ऑफ x क्या लोगे वन, बोलो तीन बार डी टू ऑफ x इज वन, बोलो डी टू ऑफ x इज वन, डी टू ऑफ x इज वन, डी टू ऑफ x इज वन, d by dx of x is to minus 1 क्या आएगा? पावर आगे, पावर आगे और x से पावर कम, माइनस 2 आएगा। अरे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आएगा ना। अभी ये x का माइनस 2 पावर है, मैं इसे नीचे लिख सकता हूं माइनस 1, अभी मैंने समझाया था, अरे मैंने समझाया था ना। सो व्हाट इज डी टू ऑफ x is to minus 1? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स एस टू माइनस वन मतलब वन बाई एक्स, अरे हाँ इससे डे टू ऑफ वन बाई एक्स क्या लेते हैं हम, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लेते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे फिर यही फॉर्मूला तो ये क्यों किया, इसका यूज ज्यादा होता है और बार बार हम ऐसा सिंप्लीफाई करना अच्छा होता नहीं, बेटे इसे याद कर लो, इसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला गया। अरे हाँ प्रॉपर बेस आपका यही है, फर्स्ट फॉर्मूला बहुत बाप फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे इसके हैं। x is to minus 1 is minus 1 by x square, minus 1 by x square, minus 1 by x square, याद रहेगा। x का डेटू 1 भी उससे आया। अभी रूट x मतलब x is to half, रुको d by dx of x is to half, बोलो बच्चे लोग, हाफ आगे, हाफ आगे, एक्स रेस टू हाफ माइनस वन, एक्स रेस टू माइनस हाफ, अभी माइनस हाफ पावर मतलब नीचे हाफ पावर जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स आएगा, तो ये आएगा वन बाय टू रूट एक्स, तो रूट एक्स का डे टू क्या था बच्चे लोग, वन बाय टू रूट एक्स, रूट एक्स का डेटा आता वन बाय टू रूट एक्स, क्योंकि बार बार इतना सिंप्लीफाई करना अच्छा होता नहीं, बेटे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलो। अरे हाँ ये रूट एक्स का डेटू वन बाय टू रूट एक्स। अभी कुछ बच्चों को अगर एग्जाम में याद आता नहीं ये टू कैसे आ गया, तो याद आना चाहिए एक्स एस टू हाफ है, हाफ आ गया होगा इसलिए आया, वन बाय एक्स का डेटू में माइनस क्यों आया, एक्स एस टू माइनस वन है, माइनस वन आ गया था इसलिए माइनस साइन दिखता है। अरे हाँ एक्स का डेटू में वन क्यों दिखता है, एक्स का पावर वन है, वन आगे आ जाता है, मतलब कभी कभी याद नहीं आया तो एक ओरली थोड़ा सोच सकते हैं अदन में, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया डेटू ऑफ एक्स एस टू एन पर, इतने छोटे ये पार्ट लिया मैंने, याद रहेगा। बोलो व्हाट इज डेटू ऑफ एक्स एस टू एन, एन एक्स एस टू एन माइनस वन, डेटू ऑफ एक्स एस टू एन, बोलो पावर आगे, पावर आगे, ऐसा करो पावर आगे, एक से पावर कम, पावर आगे, एक से पावर कम, याद रहेगा, इतने साल बट गया। अभी डेट ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स बहुत अच्छा है, बोलो डेट ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स बहुत अच्छा है, डेट ऑफ ई रेस टू एक्स, डेट ऑफ ई रेस टू एक्स, डेट ऑफ ई रेस टू एक्स, जबरदस्त। ये ऑनलाइन वाले भी बोलते हैं ना अच्छा लगता है, कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं, चिल्लाओ चिल्ला, पैसा दिया है 7000 दिया है चिल्ला, ऑनलाइन वाले सबका टाइम आता है, आपका टाइम चालू है। डेट ऑफ ए रेस टू एक्स, बोलो बच्चे लोग डेट ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू लॉग, डेट ऑफ ए रेस टू एक्स। अगर आपको किसी ने पूछा इधर आ बच्चा d by dx of 2 raised to x, बोलो 2 raised to x log 2, d by dx of 5 raised to x, बोलो, याद रहेगा, d by dx of x raised to 5 पूछा, पावर आगे 5 x raised to, थोड़ा फर्क होता है दोनों में, दिमाग तेज रखना जरा, न तो रात गई बात गई, कल पूछेगा तो कुछ भी नहीं आता, याद रखना जरा 10 बार
डी बाय डी एक्स ऑफ, अरे नो आप बोलो ना, अरे बोलो ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी टॉप एक्स स्क्वायर टू एक्स, अरे हाँ अच्छा बताइए उन्होंने, सब लोग रेडी है, डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स रेस टू थ्री बाय टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू आएगा, अरे हाँ एंड व्हाट इज डेल्टा ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू पावर आगे पावर आगे पावर आगे एक्स रेस टू माइनस फाइव बाई टू आएगा, पूरा ध्यान दो, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका ना, कुछ बच्चे बोले बहुत सीख रहे हो सर आज का, आज मैंने आपको बोला है एक सेशन होगा रुक जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परफेक्ट करना, बाद में टाइम नहीं है, हर चीज़ टाइम पर करना चाहिए, या इंजीनियरिंग होने के बाद में इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे वो अच्छा नहीं है, जो चला वो परफेक्ट करो, बाद में और आगे का सीखना है, सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर एक्सेस टू माइनस टू आएगा, बराबर है, व्हाट इज डेल्टा ऑफ एक्सेस टू माइनस टू एक्सेस टू माइनस पावर आगे, बराबर ना, एक्सेस टू माइनस टू आएगा बच्चे लोग, मैंने बताया था पावर आगे बाद में एक से पावर कम एक से पावर कम एक से पावर कम, डेल्टा ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स आता ही है, अरे हाँ आपको ये पार्ट जजमेंट आया, एक बार मुझे पूछने दो, बोलेंगे सब लोग, बोलो डेल्टा ऑफ एक्स रेस टू एन डेल्टा ऑफ ई रेस टू एक्स डेल्टा ऑफ ए रेस टू एक्स डेल्टा ऑफ लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टेन डेरिवेटिव ऑफ फाइव डेरिवेटिव ऑफ टू स्क्वायर टू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना जीरो टू स्क्वायर का डेटिव जीरो आएगा ना बच्चे लोग, कैसे बच्चे आप जीरो आएगा ना, डेटिव ऑफ एक्स डेटिव ऑफ एक्स डेटिव ऑफ वन बाय एक्स डेटिव ऑफ वन बाय एक्स डेटिव ऑफ रूट एक्स डेटिव ऑफ रूट एक्स, सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट आया, अभी मैं आपको ये पूछता हूँ, पूरा ध्यान दो बच्चों लोग, मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूं, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, आपको लिखना, अभी लिख लो, जब लिखोगे तो अच्छा लगना चाहिए, आपके नोटबुक देखने के लिए लोग दूर से आना चाहिए, बहुत अच्छा लिखो, प्यार से लिखो, दिल से लिखो, हरामीपन करना नहीं, कुछ बच्चे बहुत हरामी होते हैं, काम बराबर करते नहीं, काम बराबर करते नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको घर में पैसा दिखता है लेकिन वो मालूम होता है ना वो पैसा कैसा मेहनत करके आया, उनको इतना दिखता बस पैसा आया बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लाइफ है, ऐसा होता
नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत किया जाता है। वो बोल नहीं पाते घर वाले, बता नहीं पाते क्या मेहनत किया है। तो भी कुछ बच्चे बोलते हैं आपका जमाना था, हमारा जमाने में ऐसा नहीं होता, ऐसा बोलते। और कुछ बच्चे तो माँ बाप को बोलते हमारी क्या गलती है। हरामखोर, ये सारे फॉर्मूले तालियां बजा के बोलना है। मैं एक बार जो बच्चा तालियां बजाएगा नहीं उसे गालियां डालूंगा मैं आदर में। देखो आरती बोलना तो तालियां बजा के उसका वैल्यू अलग हो जाता है। ऐसे ये फॉर्मूले का वैल्यू बहुत बहुत रिस्पेक्ट देना है अपने को, ये भगवान है। चलो सब लोग रेडी हो गया, चलो तालियां बजाते हैं। डेट यू ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, डेट यू ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू e raised to x, derivative of a raised to x is equal to a raised to x log x, derivative of log x is equal to 1 by x, derivative of root x is equal to 1 by 2 root x, derivative of 1 by x is equal to minus 1 by x square, derivative of x is equal to 1, derivative of cos is equal to 0। और बच्चों को ये याद होना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, हर जगह पर एक सी होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, देखो वो पार्ट में बताता हूं। वो पार्ट भी बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। बेसिक आपका हो गया है, ओके। मैं अभी मेरे तरीके से पॉसिबिलिटीज बताता हूं। अगर किसी ने पूछा d बाय डी एक्स ऑफ फाइव एक्स रेस टू टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉन्स्टेंट बार, अरे कॉन्स्टेंट बार, फाइव बार, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, टू एक्स, याद रहेगा बच्चे लोग। मतलब बहुत बार कॉन्स्टेंट हम लोग आता है तो इसे बाहर लेना, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने टायरिया बजा के फॉर्मूले याद किए, जो ऑनलाइन वाला बच्चा घर में टायरिया बजा के याद किया होगा वो बच्चा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो बच्चे में वो पढ़ने की एनर्जी है, बराबर ना। जो बच्चों की एनर्जी नहीं है वो कभी आगे जाता नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दो अभी, वन बाई टू इंटू एक्स रेस टू सेवन, याद आ जाएगा, वन बाई टू बाहर, व्हाट इज डेट ऑफ एक्स एस टू सेवन, एक्स एस टू सिक्स। अरे हा, हा, डी बाई डी एक्स ऑफ टू बाई एक्स याद आ जाएगा, टू बाहर, एंड व्हाट इज डेट ऑफ वन बाई एक्स। तो बच्चों ये टू बाहर लेता हूं और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स। अरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे आएगा, बाद में लिखना बच्चा, आपको बाद में लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन ई रेस टू एक्स, सेवन बार ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। अरे हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, वो बच्चा कितना अच्छा होगा, समझ में आ रहा है आपको। ये जो बोलते रहते ना, ये बहुत भगवान लोग होते हैं, नहीं बहुत खुश अच्छे अच्छे बच्चे होते ही है। अभी आपको थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स, थ्री बार, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वन बाय एक्स। मतलब कॉन्स्टेंट अगर आया तो परेशान होना नहीं। अरे हो, अगर किसी ने पूछा इधर आ ए बच्चा रूट एक्स प्लस
एक्स रेस टू थ्री का डेरिवेटिव बोल, सेपरेट करना, सेपरेट करना, रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अरे अच्छा लग रहा है, सेपरेट रूट वन बाय टू रूट एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर आगे। याद रहेगा, मुझे बहुत सिखाना है, सब लोग बोलो सर को बहुत सिखाना है, बोलो बहुत काम करना है। डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो मैं बराबर अभी थोड़े कॉम्बिनेशन बनाता हूं, टू इंटू रूट एक्स माइनस माइनस एक्स रेस टू फाइव, बोलो टू बाहर रूट एक्स का डेरिवेटिव, वन बाय टू रूट एक्स, एक्स रेस टू फाइव का डेरिवेटिव, फाइव एक्स रेस टू सिक्स फोर, फाइव एक्स रेस टू फोर, टू टू जा रहे हैं सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट। ये सम्स आप लोगों को लिखना है तो पॉज करके लिख लेना बाद में, ठीक है, मैं वीडियो भेजूंगा आपको बाद में, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो सीखो। थोड़े बहुत हम एक्सटेंशन डालें, मैं सबसे पहले एक्स में बताया, हमने परफेक्ट याद किया, बाद में मैंने एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया क्योंकि बच्चों को वो भी आता नहीं, अभी इसके आगे बढ़ना है। एक्स प्लस बी में फॉर्मूलाज होते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, या फंक्शन के फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी के फॉर्म में आया तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, वही फॉर्मूला आएगा, पावर आगे एक्स से पावर कम और फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि बच्चों को ये डेरिवेटिव आता है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, लेकिन अगर किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री रेस टू फाइव का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो बच्चों को आता नहीं। आपको एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव मालूम है ना, वही फॉर्मूला है, खाली एक्स की जगह पर कोई भी फंक्शन अगर आया, लॉजिक ये लगाना है, पावर आगे एक से पावर कम और ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना, याद रहेगा। ओके, जैसे आपको यहां पर d बाय डी एक्स ऑफ मैंने ये दिया, अगर आपको d बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री दिया तो आप क्या लिखोगे, सेपरेट करोगे, टू आगे x का डेरिवेटिव वन, थ्री का जीरो, क्या आएगा बोलो, टू आएगा, बराबर है, वो बता दो, यहां पर खाली टू आएगा, टू आगे x का डेरिवेटिव वन, थ्री का जीरो टू, अगर d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस वन क्या आएगा बच्चों, वन, वन प्लस जीरो इज वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स कितना आएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, सेपरेट करेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस वन। अरे याद रहेगा, परफेक्ट, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट आता है, इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट लेते हैं, क्यों, डेरिवेटिव सेपरेट करने के बाद में वो पार्ट आएगा, इसलिए आप ऐसा लिखो या एक्स का कोएफिशिएंट लिखा जाता है, आप जब आगे बार बार पढ़ोगे तो रियलाइज होगा। ओवरऑल अभी ये सम पर लेना है तो क्या आएगा, पावर आगे, बोलो पावर आगे, फाइव आएगा बाद में, टू एक्स प्लस थ्री रेस टू फोर और इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, ये टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू आएगा, वो रियली बता सकते हैं, टू इंटू वन प्लस जीरो टू आएगा, या एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स माइनस वन रेस टू टेन, बोलो टेन इंटू, अरे बोल रहे या नहीं, कुछ लोग खाली देख रहे, अरे सोचो बोलो,
टेन इंटू थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन रेस टू हाफ बराबर है पावर आगे एक से पावर कम और एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो नहीं लिखा तो भी चलता है एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा अरे हाँ बच्चे लोग हमने ये फॉर्म लिखा सब लोग लिख लो सब लोग लिख लो कुछ लोग ये पार्ट लिख लो डेट ऑफ थ्री एक्स लिख लो वगैरह पीछे का जो जो याद आ रहा है वो लिखो थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल करके लिख लो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज बनेंगे आप घर पर भी दो चार पांच फॉर्मूलेज देख लेना खुद बनाओगे आप कभी लाइफ में बोलोगे नहीं मैंने आपको जस्ट पुशअप किया है 1% सीखा मैंने आप इसे 100% एक्सटेंड करना इसके ऊपर पांच सम लिख लेना हर एक फॉर्मूला पर सम लिखना बहुत सारे बच्चे संडे को दिमाग बंद करके रख देते हैं सोते होगे हरामखोर लेक्चर है तो भी पड़े होगे घर पर बहुत नसीबवान होते कुछ बच्चे बहुत नसीबवान होते बच्चे लोग बहुत पैसा होता घर में वो बच्चे को मालूम है मुझे जरूरत नहीं परफेक्ट गुड अर्णव भाई आपको आज का जस्ट बेस होने के बाद में हम समझ लेंगे अर्णव भाई कॉमर्स के बच्चे हैं इलेवेंथ का कॉमर्स का भी मैथ्स मैं लेता हूं उनको पूरा स्टैटिस्टिक है इसे पढ़ा है आपको डेटा साइंस वगैरह मालूम ना आरटीयू एआई वगैरह उसका बेस सब स्टैट है अभी सब बच्चों को जजमेंट आया इसमें से कुछ सम्स लिखना तो लिख लो जो अच्छे लगते ताकि आप उस टाइप के दो चार सम और बना सकते हैं खाली फॉर्मली याद करके फायदा नहीं आपको दो चार पांच सम बढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा अरे हाँ बच्चा लिख ले दो चार लिख ले इतने साल काम करने के बाद में थोड़ा जजमेंट आया है उसका फायदा लो अच्छा लिखना गलत नहीं है ज्यादा मार्क्स लाना गलत नहीं है तो भी कॉलेज वाले बोलते हैं मत जाओ जरूरत नहीं एंट्री सिंपल है उनको बताना ज्यादा अच्छा काम करना गलत है क्या ज्यादा मार्क्स गलती से आ गए तो गलत है क्या उनको बताना बहुत डेंजर लोग होते हैं जो टीचर ऑब्जेक्शन नहीं लेते वो भगवान टीचर उनको मालूम है बच्चों ने और ज्यादा मार्क्स लाने और सीखना चाहिए कुछ लोग बहुत जलते हैं चलो हो गया अभी ये होने के बाद में मैं और कुछ सम्स लेता हूं बच्चे लोग आपको सेकंड फॉर्मूला क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स था अरे बराबर है मैं क्या करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ये फॉर्मूला ये जो पावर है उसका डेल टू से मल्टीप्लाई कर देना राइट आप सब बच्चों को ई रेस टू एक्स का डेल टू ई रेस टू एक्स मालूम होता है लेकिन किसी ने अगर ई रेस टू टू एक्स प्लस वन दे दिया आधे लोग हैंग हो जाते हैं
लॉजिक क्या है? ई का पावर एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा? टू। ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश। अभी टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव टू कैसे आएगा वो भी मैंने बताया आपको। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू वन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, क्योंकि ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश। टू एक्स का डेरिवेटिव टू आएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाता है, या एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा बोला तो भी चलेगा। या एक्स का कोएफिशिएंट क्यों आता है? क्योंकि वो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाता है। अरे हाँ, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स सबको मालूम होता है क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, माइनस वन बाय फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। निर्णय आना चाहिए बच्चा, हम बहुत वर्ल्ड क्लास काम करें ना, मैं भी ऐसे ही सिखाता हूं करके। डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय, आपको वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स का मालूम है? किसी ने अगर पूछा, इधर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है ऑनलाइन, इधर वन अपॉन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव बोलो, माइनस वन बाय फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वन आएगा। अरे हाँ, माइनस वन बाय फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू इज वन, एक्स का वन टू का जीरो कॉन्स्टेंट का जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ बहुत सारा पार्ट होता है बच्चों, वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन बाय अनो भाई स्क्वायर इंटू वन, ये लिखना है। एक बार आप ये जो लिख रहा हो ना, दस दस बार लिखना घर पर, इतना मेहनत करना। आप लोग मेहनत करने से आगे जाएंगे, याद रखो मेरे वर्ड। होशियार तो सब होते हैं आजकल, अकल तो सबको होती है, समझाने वाले कम नहीं होते, करके दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन फाइव एक्स माइनस वन अरे हाँ, इस टाइप से आपको ऐसे सारे फॉर्मूलेज होते हैं, सारे फॉर्मूलेज होते हैं। आपको d by dx of root x सबको मालूम है, वन बाय टू रूट एक्स। वैसे d by dx of root of f of x वन बाय टू रूट ऑफ f of x आएगा और इंटू f dash। आपको याद है हमने जनरल मेथड में f of x वाले सम्स लिए, सब रिवर्स ही है, सब रिवर्स है, याद आ रहा है? f dash अपॉन f of x इज टू रूट ऑफ f of x, याद आ रहा है? एफ डैश अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा नहीं, लेकिन एफ डैश अपॉन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला, सब फॉर्मूले रिवर्स होते हैं इंटीग्रेशन में। खाली डेरिवेटिव पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बहुत कम गधे होते हैं जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ में याद करते हैं, एक भी नहीं याद आता। अरे उल्टा होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा होता है, याद है ना? जैसे छोटे बच्चों को हम 1 टू 10 ही सिखाते हैं, इतना परफेक्ट करते हैं, बाद में वो 10 टू 1 खुशी से बोलता है। ऐसा कभी देखिए क्यों कोई पेरेंट 1 टू 10 भी सिखाते हैं, 10 टू 1 भी सिखाते हैं, वो बच्चा पागल हो जाएगा बेचारा। बराबर ना? पेरेंट्स कब पूछे बच्चों को, जब 1 टू 10 बहुत अच्छा आता है उसे, बाद में थोड़ा सा 10 टू 1 बोलते हो, सोचता है क्या क्या आएगा। तो डेरिवेटिव भी अच्छा सीखना है, इंटीग्रेशन आपको रिकॉल करने में अच्छा लगना चाहिए, इससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं किए जाते कभी। डेरिवेटिव भी करो, खाली 2-4% फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, वही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ टू एक्स प्लस वन इंटू
याद रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू वन। अरे हर बच्चे जब तो कभी भी हम एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते बच्चे लोग, कभी भी एक्स का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि वो टर्म का डेरिवेटिव देखो ना, रूट ऑफ का सेम आ गया वन बाई टू, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, वो सम भी मैंने लिए हुए। तो ओवरऑल डेरिवेटिव में ये पार्ट बहुत बहुत मैंने बच्चे लोग, क्योंकि हर जगह पर एक्स ही देना चाहिए ऐसा रूल नहीं है, आपको एक्स प्लस वन एक टू एक्स माइनस वन वन माइनस एक्स आगे और थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव कुछ भी दे सकते हैं, तो उस टाइम में आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बेस वही है, बेसिक वही है, आपको ये लिख लेना है, लिख लो और बाद में डे साइन कॉस के लेता हूँ और आज का सेशन एंड करूँगा, आज का सेशन एंड करूँगा। बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है, एक फॉर्मूला दस बार लिखेंगे, ऐसे बोलने वाले बहुत मिलते हैं, दस बार लिखेंगे वो बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, टारगेट छोड़ा जाता नहीं, हम जो बोलते वही होना चाहिए। ये कितने फॉर्मूलीज है बच्चे लोग अभी? नाइन। ये नाइन फॉर्मूलीज होने के बाद में हम सेशन खत्म करेंगे। मुझे मालूम है आप लोग मेरे से परेशान हो गए। हेलो, ओ राजभाव को फोन करो, जितना जल्दी होगा उतना पहुंच जाओ। राजभाव से कौन? हाँ, और कहाँ पे आना हो जरा, अविनाश पटेल के बाद मुझे डिस्टर्ब हो रहा हूँ सब फोन से। हाँ वो पढ़ाई रोके तुम, बारह वजे सही करा बोला लो तू, पण ते साढ़ा नौने कहलो तू मैंने गई याद पीढ़ी ने, तो जेटलू जल्दी फोन जता हो तेलो राजभवन जेवन को, ठीक है? हाँ, अने हावड़ा राज गुडिंग भी फोन करता, तो गुडिंग फोन मैंने वही आऊँ हावड़ा हूँ लेक्चर में, ते तेज क्यों ना कर दो। हाँ जल्दी हो, क्या जो जम के तो अविनाश पटेल ने विचारा के श्री रामबाई जुले, अविनाश पटेल ने उठा दे। चलो हो गया बच्चे लोग, अभी ये फॉर्मूलीज मुझे याद कराना है। सब लोगों में एनर्जी है या नहीं? जबरदस्त, बोलो जबरदस्त। लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन है, इसे अच्छा एंड करो, इसे अच्छी तरह एंड करो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव sec square x, sec का डेरिवेटिव sec x tan x, cot का डेरिवेटिव माइनस cos square, cosec का डेरिवेटिव sin hyperbolic का डेरिवेटिव cos hyperbolic, cos hyperbolic का डेरिवेटिव sin hyperbolic, tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square। ये कैसे याद करना है ये आइडिया देता हूँ, वर्ल्ड क्लास आइडिया देता हूँ, वर्ल्ड क्लास आइडिया। सबसे पहले ज्यादा पर सी ए माइनस आता है, एक्सेप्ट हाइपरबोलिक, एक्सेप्ट हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता, ज्यादा पर सी ए माइनस है, ठीक है? अभी बच्चे ये दो फॉर्मूले बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसे याद कैसे रखता हूं? टैन सेक सेक ऐसे तीन दो से, टैन सेक सेक तीन दो से, दो ना, दो का नाम सेम है, अपना पूरा क्लास भरा हुआ समझो, जो बच्चा लेट आता है वो किसको ढूंढेगा? वो डेरिवेटिव है। टैन अगर लेट आया किसको ढूंढेगा? सेक इंटू सेक को, इससे टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, जिससे ढूंढ रहा है वो आंसर। अगर सेक एक्स लेट आया कौन से दोनों को ढूंढेगा?
टैन और सेक को, इसे सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अरे हाँ, ये तीन दो से होते ना, दो के नाम से होते ना बहुत बार। जो लेट आता है, जिसके पास ढूंढे, जिसको ढूंढे वही डेरिवेटिव है। तो टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव, इसलिए टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अरे हाँ, अगर सेम कॉट कोसेक स्क्वायर का भी सेम ही है, कॉट कोसेक कोसेक तीन दो से। अरे हाँ, जो लेट आएगा वो दोनों को ढूंढेगा किधर बैठे हुए। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आता है, कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर विथ माइनस साइन, कोसेक का लेट आए किसको ढूंढेगा, कॉट और कोसेक का, इसलिए कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट विथ माइनस साइन। तो मैंने बोला ही है सी आया तो। अरे हाँ, यहां पर आप लोग कुछ होता नहीं, ये इस टाइप से याद करना है। अभी सब लोग एक बार बोलो, सब लोग साथ में बोलो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बोलोगे नहीं तो भूल जाओगे, 1000% भूल जाओगे, 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% भूल जाएंगे। चिल्ला के याद करना, बोलो लास्ट वाला, बोलो sec x का, tan का, cos का। अभी अपने तरीके से एक बार याद कर लो, बाद में मैं आपको पूछता हूं, मैं बहुत बार आगे बुला के भी पूछता हूं, लेकिन अभी नहीं बुलाऊंगा मैं आपको, फीस जब तक आता नहीं तब तक मैं बाकी ट्रायल करूंगा नहीं। नहीं, ये रूल है बच्चे लोग, आपको मालूम नहीं। और अभी टाइम भी नहीं है, याद करो अपने तरीके से याद करो। चलो हो गया बच्चे लोग, अरे परफेक्ट, बहुत दिल से काम करना, आदत अभी लगेगी, आप जैसे अभी है वैसे आगे रहोगे और वैसा ही ग्रोथ होगा। सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बारह चेपाए, आप जैसे अभी है वैसे ही रहोगे, याद रखना। अगर अभी अच्छा काम आदत लग गई तो आप आगे भी आगे जाओगे। हराम का पैसा कोई देता नहीं, आजकल बिल्कुल देखता नहीं। घर में कोई काम करने वाला है, देखो ना हम लोग क्या सोचते हैं, कैसा कर रहा है, विश्वास रख रहा है कि नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। ऐसे ही टाइम सबका आता है। जैसे मुझे डेमो लेने आते हैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे, वो समझाने की भाव का देखने का टाइम मिलता है ना मुझे, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव, कोसेक का डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक का, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। परफेक्ट। अभी हर जगह पर एक से आ जाएगा ऐसा रूल नहीं है, आपको फंक्शन में भी आता है, साइन एक्स प्लस वन, कॉस टू एक्स प्लस वन, टैन थ्री एक्स, इस टाइप से फॉर्मूलेस होते हैं। अरे हाँ, अभी मैं सब लेता हूं, बच्चे लोग हमें बहुत आगे जाना है, बोलो बहुत आगे जाना है। आपको साइन का डेरिवेटिव कॉस बहुत अच्छी तरह मालूम है, लास्ट 10 मिनट बच्चे लोग, मुझे दूसरा बैच बाद में। अगर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स दिया तो आप क्या लिखोगे बच्चे लोग, कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू, इसलिए तो कल हमने फॉर्मूला देखा इंटीग्रेशन का, इसका ये था, सब रिवर्स होता है बच्चे लोग, पहले सीधा ठिकाना लगाना, बाद में रिवर्स याद करने के पीछे जाते हैं। अभी किसी ने अगर आपको बुलाया, इधर आओ, बिना पढ़े डीएम का एग्जाम दे रहा है, इधर
साइन टू एक्स का डेरिवेटिव बोलो, कॉस एंगल सेम, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, साइन का डेरिवेटिव कॉस, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, डी बाय डी एक्स ऑफ, बहुत अच्छा पार्ट है, कॉस टू एक्स, बोलो बच्चे लोग, अरे हाँ डी बाय डी एक्स ऑफ, वो बच्चा कितना अच्छा है देखो ना, साइन ऑफ एक्स बाय टू इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, वन बाय टू कौन सा बार, वन बाय टू, अरे जजमेंट आया, वन बाय टू बार, एक्स का डेरिवेटिव वन, जैसे कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन कॉन्स्टेंट बार, अरे हाँ या ना, ये बच्ची को नहीं समझ में आया, अरे बच्ची एक्स बाय टू का डेरिवेटिव वन बाय टू बार, एक्स का डेरिवेटिव वन, इस टाइप से हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हाँ अगर किसी ने पूछा इधर आ, ए बच्चा इधर आ, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन कॉस एक्स प्लस वन, अरे हाँ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट 2x माइनस फाइव माइनस को से 2x माइनस फाइव इंटू टू, अरे हाँ अरे हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग, मैंने जस्ट शुरुआत करके दी आपको, अभी आप लोग खुद रखे ऐसा बनाओ, ये ट्रिक आपका वो सोच आपका क्रिएटिव वही पार्ट आपको आगे लिखते हैं, आपको सेम टू सेम काम कभी करने को मिलेगा नहीं, आप जो इंजीनियरिंग में सीखेंगे बच्चे लोग 100% दो साल बाद में बहुत सारा चेंज हो जाएगा, दो साल के अभी चेंज होगा, लिखो चेंज हो जाएगा कल, ऐसे भी होता है, लेकिन आपको आइडिया आना चाहिए, तो सब लोग क्या करो ये लिख लो और हम आज का सेशन एंड करते बच्चे लोग, अभी ये पार्ट मुझे अगले टाइम में बताऊंगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिलेशन क्या होता है, तो क्या होता है ये अगले सेशन में लूंगा, अभी मुझे आपको इस पर इंटीग्रेशन आपको नहीं बच्चा, और नो भाई आपको डेटी तक ही है, फॉर्मूलाज भी लिखना है, ओ लिखो, वो याद करने का तरीका, तीन दोस्त याद रखो, आप में से कौन ऐसा ग्रुप है जिनके तीन दोस्त है और दो के नाम सेम है, ऐसा कोई है क्या बच्चा, ठीक है आपके आपके गुड, वो तीनों दोस्त को नमस्ते बोलना मेरा बच्चा, क्या क्या नाम है, सचिन सचिन और आपका नाम क्या है, विक्रांत भाई, सचिन सचिन और विक्रांत भाई, दोनों सचिन भाई को नमस्ते बोलना, भगवान उनका भला करे, आपके दोस्त भी आगे जाएंगे, सर। क्या बच्चा, अमरावती 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 क्या कब आएंगे ऐसा बच्चा, मुझे यूके जाने की इच्छा है अभी, बस एक दो महीने में आपका सिलेबस होने के बाद में अमरावती ना होगा, नहीं नहीं गोवा नहीं, गोवा कचरा है मुझे नहीं अच्छा लगता, चलो हो गया नहीं रुक जा बच्चा दो मिनट रुक जा, ये बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं किया, नहीं किया आपने, आपने भी नहीं किया बच्चा, बहुत दुख देते आप लोग मुझे,
अटैक वगैरह आ गया ना, आपके नाम डालूंगा भाई। क्लासेस रेगुलर करना, पैसा दे रहे ना, पूरा सीख के जाना। आपका पैसे फेंकने आए क्या यहाँ पर? ये लो ये लो, चलो हो गया लिख के। अभी ये दो चार पास सब लिख लो और हम आज का सेशन एंड करेंगे।